नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आज चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है, उस पर रुपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1,839 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर $24 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं पहले से कुछ बढ़त के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते बेस मेटल्स की में जो सपोर्ट मिला है उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भी एक तेजी आती नजर आई है। रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है, इस समय जो तानव चल रहा है उसकी चक्कर में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को भी सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। दूसरा, डॉलर में भी उठापटक देखने को मिली है जिसका सपोर्ट गोल्ड सिल्वर की कीमतों को मिलता नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एम सीवी पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर पहले के मुकाबले अब कुछ बढ़त के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो गोल्ड और सिल्वर में अचानक से तेजी आई है उसके पीछे के कारण क्या क्या है, और ऐसी सिचुएशन में गोल्ड में खरीदारी में रहना सही रहेगा या बिकवाली में? गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी में ही रहना चाहिए, और मैंने हमेशा यही बोला है कि हर डिप पर आप बाइंग करके चले। इंट्राडे में जरूर थोड़ा बहुत उठापटक बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करेंगे तो अखिलेश अभी भी पॉजिटिव ही है मार्केट। और अब हमने देखा भी है कि रेंज जो थी वो सारी रेंज ब्रेक होती हुई नजर आई है। $1,820 के ऊपर गोल्ड निकल चुका है, $1,840 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, और घरेलू बाजारों में भी 48,000 के ऊपर है, तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। देखिए, सेफ हेवन डिमांड एक बार फिर से इनिशिएट होती हुई दिखाई दी है। पीछे जो थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा था वो दरअसल डॉलर में स्ट्रेंथ थी, इस वजह से गोल्ड जो है वो दबाव में आ गया था, लेकिन अभी एक बार फिर से डॉलर वीक हुआ है जिसके चलते गोल्ड को सीधा सपोर्ट मिला और गोल्ड की कीमतों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेंड लगातार पॉजिटिव है, हर डिप पर अभी भी बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी। ये सरूपा जी, बात करें अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि WTI $85 पर है, $86 के करीब जाता नजर आ रहा है, और बात करें ब्रेंट क्रूड ऑयल की तो $88 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, हूतियों द्वारा जो यमन की हूतिया विद्रोही हैं उनके द्वारा UAE में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ड्रोन अटैक किया गया है एक बार फिर से। इससे पहले हमने 2019 में भी देखा था कि यमन हूतियों ने सऊदी के ऊपर ड्रोन अटैक किया था जिसकी वजह से जो क्रूड की जो सप्लाई थी वो डिस्टर्ब हुई थी। इस अटैक की वजह से हमने देखा है कि इराक से जो टर्की को होने वाली सप्लाई है वहाँ की पाइपलाइन में एक एक्सप्लोजन भी हुआ है। आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ओपेक और उसके सहयोगी देश पहले से ही अपने प्लान को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, कच्चे तेल की जो सप्लाई है डिमांड के अकॉर्डिंग इतनी देखने को नहीं मिल रही है, ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी सिनेरियोज बनते नजर आते हैं और पाइपलाइन एक बार फिर से डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे में क्या कच्चा तेल $90 के भी पार जा सकता है या फिर $100 के भी पार? देखिए, कच्चे तेल में अखिलेश तेजी बनी हुई है, नो डाउट सप्लाई कंसर्न ही सबसे अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है जिसकी वजह से कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, और अभी कीमतों में अपसाइड मोमेंटम ही बना हुआ है और स्टिल अभी मार्केट पॉजिटिव है। हल्की फुल्की करेक्शन जरूर आज देखने को मिल रही है विदेशी बाजारों में, लेकिन फंडामेंटल अभी भी सपोर्टिव है, सप्लाई कंसर्न अभी भी बने हुए हैं जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, और फिलहाल ये तेजी अभी बनी रह सकती है। और मुझे लगता है कि कच्चा तेल एक बार फिर से अपसाइड मोमेंटम में कंटिन्यूशन की अगर हम बात करें तो WTI जो है वो $88 से $90 तक जा सकता है, और ब्रेंट की बात करें तो 92 से 95 की रेंज ब्रेंट में भी देखने को मिल सकती है। स्टिल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, और कच्चा तेल डोमेस्टिक मार्केट में 6500 तक के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है आज घरेलू वायदा बाजार के अंदर। MCX निकल की बात करें तो सावा आज 4% से ज़्यादा की तेजी, ₹1,800 के ऊपर निकल चुका है। रूपा जी, देख रहे हैं निकल में रिकॉर्ड तेजी बनती नजर आ रही है, जिंक भी तेज है 294 पर है, लेड भी तेज ट्रेड करता नजर आ रहा है, और कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में $4.50 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है 1% की तेजी के साथ। रूपा जी, आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में जो अचानक तेजी बनी है तो क्या ये आगे भी कायम रह पाएगी?
देखिए बिल्कुल बेस मेटल में अभी तेजी का ही रुझान है और ये तेजी कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है। और आप देखिए आज निकल के अंदर सबसे ज्यादा जो है अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है और लगातार हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 1600 के ऊपर जब निकल निकलेगा तो मैंने आपको पहले ही आपके इसी चैनल पर इसी बुलेटिन में बताया था कि निकल में एक शानदार रैली आ सकती है और एक अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज देखिए आप निकल 1800 तक ऊपर पहुंच चुका है, एक अच्छी खासी तेजी निकल के अंदर बनती हुई दिखाई दी है। 3-4% के आसपास आज मार्केट खुलते ही सर्किट पर है तो अभी तेजी और बनती हुई दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल जो अपसाइड मोमेंटम है वो 1820 तक है, 1820 के आसपास एक बार थोड़ा सा करेक्शन जोन में आ सकता है। अदरवाइज अभी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तेजी है और डोमेस्टिक पर भी इसका असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार 1820 तक एक अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है। जी यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कि नेचुरल गैस भी ठीक ठाक ट्रेड करती नजर आ रही है, नेचुरल गैस में भी तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या एनर्जी सेक्टर में जो क्रूड में तेजी आई है उसका असर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की कीमतों पर भी पड़ता नजर आ सकता है? देखिए नेचुरल गैस पर जो तेजी आई है वो अब आप देखिए अगले महीने का अगर आप फरवरी वायदा की बात करें तो वहां पर 1-1.25% की तेजी है। विंटर सीजन के डिमांड के चलते एक बार नेचुरल गैस थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया था और 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, लेकिन अभी फिर से आज करेक्शन में है मार्केट। तो मुझे लगता है कि अभी यहां से नेचुरल गैस की तेजी तो कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बाउंस बैक तेजी का हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे नेचुरल गैस में प्रेशर दिखाई देता है और मुझे लगता है आगे चल के नेचुरल गैस दबाव बन सकता है। जी रूपा जी टॉपिक क्या देना चाहेंगी आज, आप नॉन एग्री कमोडिटीज में देख रहे हैं कि नॉन एग्री में आज शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए नॉन एग्री में हमेशा ही मेरी टॉपिक जो है वो बेस मेटल्स में ही रही है और आज भी मुझे लगता है बेस मेटल्स में ही बाइंग करना चाहिए। कॉपर देखिए आप 750 के ऊपर निकल चुका है, जिंक अभी परफॉर्म कर सकती है, जिंक में बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिंक जल्द से जल्दी ही 300 तक के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है, जिंक में बाय किया जा सकता है। निकल ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और रिकॉर्ड हाई पर है तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग तो थोड़ा रिस्की होगा। वहीं अगर देखा जाए तो कॉपर में बाइंग किया जा सकता है, कॉपर मुझे लगता है कि एक बारी 760 से 780 तक की रेंज पकड़ सकता है। तो यानी कि रूपा जी की तरफ से बेस मेटल्स में खरीदारी की सलाह दी गई है, बेस मेटल्स में रूपा जी हमेशा पॉजिटिव ही रही है, तो आज भी रूपा जी ने बेस मेटल्स में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं आप उन लेवल्स पर अपनी खरीदारी की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।